1970 के बाद से एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी का ये जो बयान है उसको आप सुनिए, जो बॉलीवुड के बारे में उन्होंने कहा है, जो बॉलीवुड की सच्चाई बताई है, ये देखिए। भगवा वस्त्रधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं, शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ। जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आप लोगों ने उसमें कभी वीडियो देखा हो, विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया, बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना, जिसका गाना था प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत निष्ठ भाषा बोलना कॉमेडी का पात्र है। और इब्तिदा इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। तो देखिए इसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि कुछ फिल्मों का जो सीन्स है उसमें कैसे मतलब हिंदुत्व को दिखाया जाता है, कैसे हिंदू के प्रतीकों को दिखाया जाता है, कैसे हमारे तिलक लगाए हुए को विलन के रूप में दिखाया जाता है। 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलेन है छेदी सिंह, वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है? हमने भी अपने आदि पुरुष वाले इस वीडियो में कहा था कि जो बॉलीवुड जब से बना है तब से हिंदू विरोधी मानसिकता है और जो अपना प्रोपेगेंडा हमेशा से फैलाता आ रहा है और जो हिंदू विरोधी मानसिकता है उसको अपने फिल्मों में दिखाता आ रहा है। तो यही सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ फिल्मों को उदाहरण देते हुए ये बात रखी है। और ऐसे ही एक दो फिल्में नहीं, पूरा बॉलीवुड का जितना भी इंडस्ट्री को आज 100 साल हो चुके हैं, तब से बॉलीवुड जब से बना आ रहा है तब से हिंदू विरोधी मानसिकता और अपनी प्रोपेगेंडा वाली फिल्में ये बनाते आ रहा है। और हमेशा से हमें जो हिंदुत्व है, जो उच्च जो संस्कृत है, जो शुद्ध हिंदी है, उसको ये नकारात्मक ढंग से दिखाते आ रहे हो। इसी कारण से आज हम जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं उन्हें आज हम जोकर की तरह देखते हैं, कॉमेडियन की तरह देखते हैं। और ये मानसिकता आज फैल रही है क्योंकि जो इंग्लिश बोलता है उसे हम महान देखते हैं, उसे बड़ा आदमी देखा जाता है, और वही जो हिंदी बोलता है उसे तो किसी मजाक की तरह देखा जाता है। और वही मानसिकता आज सभी के आप देख रहे हैं, आप सभी जगह दिख रही है, आपको सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, तो कि जो इंग्लिश बोलता है उसे महान दिखाया, महान समझा जाता है, और जो शुद्ध हिंदी बोलता है उसे कॉमेडियन जोकर की तरह देखा जाता है कि ये क्या नौटंकी है, तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो गंवार हो। तो बॉलीवुड का जो झूठ है इसका पर्दाफाश हो चुका है, और जो बॉलीवुड की जो प्रोपेगेंडा वाली फिल्में होती थी, जो हिंदू विरोधी मानसिकता वाली फिल्में होती थी, उसका आज पर्दाफाश हो चुका है। और जनता इसी कारण से आज बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रही है। तो बॉलीवुड हमेशा से हिंदुत्व का मजाक उड़ाता रहा, हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों का मजाक उड़ाता रहा है। अपनी फिल्मों में कभी भी एक भी पात्र आपको सच में नहीं मिलेगा जो कि हिंदू हो और उसे गर्व से दिखाया गया हो। तो बॉलीवुड हमेशा से करता है जो कि लोगों के सामने बाहर है। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।